शामली के कहलना थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी रामकोर में फसल काटने को लेकर दो पक्षों में विवाद खड़ा हो गया, जिसको लेकर दोनों पक्ष लाठी डंडे व धारदार हथियार लेकर आमने सामने आ गए। जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे दोनों पक्षों की ओर से 17 लोगों को अपनी हिरासत में लेकर थाने ले आई। पकड़े गए सभी लोगों के कब्जे से पुलिस ने धारदार हथियार व कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने सभी लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। दरअसल मामला जनपद शामली के कहनला थाना क्षेत्र के गांव गढ़ी रामकोर का है, जहां पर दिन निकलते ही फसल काटने को लेकर दो पक्षों के लोगों में विवाद खड़ा हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग हाथों में धारदार हथियार व लाठी डंडे लेकर आमने सामने आ गए। इसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और कहनला थाना प्रभारी ओपी चौधरी ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर हंगामा कर रहे दोनों पक्षों की ओर से 17 लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया। सभी लोगों के कब्जे से पुलिस ने धारदार हथियार व कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए सभी लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है और आगे की वैधानिक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। कहंदला से न्यूज 7 के लिए नासिर अली की रिपोर्ट। यमुना के कादर में जो जमीन है, इसको लेके किसान आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि उसमें ठीक से डिमार्केशन नहीं हो पाता है। बाढ़ की वजह से पानी जब अपने जो बदल देता है, अपने रुख बदल जाता है, उसमें जमीन इधर उधर हो जाता है। काफी पुराने मामले से जमाने से चले आ रहा है। डिमार्केशन ना होने की वजह से किसान आपस में लड़ने की स्थिति में आ जाते हैं। कभी किसी ज़मीन को क्लेम करते हैं, कभी किसी ज़मीन को। ऐसे ही एक प्रकरण कांगला में हुआ है, जिसमें लगभग 17 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है, जबकि किसी के पास कोई प्रॉपर पेपर्स नहीं है, फिर भी आपस में लड़ने के लिए तैयार थे, हथियार सहित वहाँ मौके पर पहुँच गए। कानून व्यवस्था को मेनटेन करने हैं तो दोबारा, इससे पहले भी एक घटना हो चुका है जिसमें एक व्यक्ति की जान गई थी। इन सब चीज़ों से बचाने के लिए काफ़ी सख्त कदम उन लोगों के द्वारा उठाए गए, जिसमें 17 लोग गिरफ्तार किए हैं और 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा है।